मिलेगा, कॉन्टिनेंटल भी मिलेगा, टर्किश भी मिलेगा, बारबेक्यू भी होगा, पाकिस्तानी मिलेगा। और ये कैसे हो सकता है कि पेशावर हो शिनवारी टिक्का ना हो, अलग गम मका वादर था शिनवारी हूँ मिला रहेगी। खाते पीते घराने की हैं तो ऐसा तो होगा। और लेकिन ये उम्मीद है मुझे कि बेहतरी बहुत तेजी से जाएगा, क्योंकि मैं खुद देखूंगा फिर मुझे जिसके जिधर भी जाना हो मैं इंशाल्लाह या वो ड्रेस लाऊंगा। इंशाल्लाह आपने हमें ड्रेस के लिए इतना कुछ किया तो आपकी वाली हम करेंगे आपके लिए इतना कुछ। खुश रहिए। थैंक यू। सही है, बहुत बड़ा मेन्यू है। अरे फर्स्ट टाइम क्या खिला रही है आज? मैं तो कुछ नहीं खिला रही आज, आप कबीर भाई के मेहमान है तो जो खाना है आप लोग खा ले, लेकिन नहीं थे पता नहीं क्यों जब मैं डाइटिंग का प्लान बनाती हूँ तभी खाने की कोई ना कोई वीडियो आ जाती है। खाते पीते घराने की है तो ऐसा तो होगा, अभी ब्लॉगिंग करते हैं, फूड ब्लॉगिंग करते हैं तो फिर तो ऐसा हो गई। लेकिन जैसे भाई ने बताया कि भाई मेन्यू में काफ़ी चीज़ें होने वाली है, चाइनीज कॉन्टिनेंटल भी मिलेगा, टर्किश भी मिलेगा, बारबेक्यू भी होगा, पाकिस्तानी मिलेगा। और ये कैसे हो सकता है कि पेशावर हो शिनवारी टिक्का ना हो, अलग गम मका वादर था शिनवारी हूँ मिला रहेगी। यही सही पश्तो बोली है, ये ना हो कि पठान लीजिए मुझे कि हमारी पश्तो का क्या हाल कर दिए। तो उम्मीद है कि कबीर भाई ने अपना इतना बेस्ट दिया है तो आगे भी अपना पूरा पूरा 110% बेस्ट देंगे। वैसे उनकी वीडियोस देख के भी अच्छी एक वाइब्स आती है ना कि अच्छा काम करते हैं। तो जब इतनी जगहों पे वो फिरे हैं, इतनी जगहों पर उन्होंने खाना खाया है, तो अपने काम को लेकर वो गहरी बातें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उन्होंने सोच विचार की होगी और अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बच्चा बंगले रुलाएगा क्या? थैंक यू सो मच। मैं पी रही है ये। बिल्कुल थैंक यू जी कबीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए मिन मार्गरीटा बना के लाए हैं। कौन वैसे बनाने वाले का तो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन लाने वाले का नाम पूछ लेते हैं। मोहम्मद राहत। और बनाया किन्होंने? हमाद ने। तो जी हमाद भाई के हमाद की पहली जो है ना वो ड्रिंक नोश करने जा रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह करूं है ना? तो मैं इसको ट्राई करती हूं।
रिचर्स के साथ पिशावर की रौनकें बहाल होंगी इंशाल्लाह। रौनकें बहाल होगी और पिशावर में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट जो है वो कबीर भाई ने बनाया है। आप वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, फेसबुक पे उनका पेज है और सोशल मीडिया पर आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर उनको देखते रहे। लेकिन जी हमारे पिशावर का बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी एंट्री के साथ जो है ना वो आए हैं दबंग एंट्री के साथ और हमारे लिए ये बड़ा अच्छा हुआ है। पता है हम लोग शहर के बाहर जाया करते थे ना, ऐसी कोई बड़ी जगह नहीं थी जहाँ पे जगह नहीं थी। लोकेशन मतलब इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ना कि भाई फैमिली के साथ अगर आप यहाँ पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ भी मतलब बर्थडे वगैरह करना है, खाना खाने आना है, मैं कहती हूँ बिल्कुल जगह होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सेटअप तो अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, खाने का टेस्ट भी अच्छा, वैसे ही ये है बड़ा अट्रैक्शन और मज़ेदार। एक बार फिर से हो जाएगी माशाल्लाह। चांदनी रात हो और रेस्टोरेंट का साथ हो, क्या मजा आए। मेरे उस तरफ चांद नजर आ रहा है और यहाँ से पूरे रेस्टोरेंट की जो वाइब्स है ना वो क्या कमाल है ना। और यहाँ पर आप खाने को तो इंजॉय करेंगे लेकिन बिलीव मी आप रिलैक्स भी बड़े होंगे, मेंटली बड़ा खुद को रिलैक्स फील पाएंगे व्यू को देख के। इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ से जो है वो आपको लुक नज़र आएगी। और 3 तारीख को यहाँ पर जो है इस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह होने जा रहा है। अभी तो मैंने आपको आधा भी नहीं दिखाया ये रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है, इसके काफ़ी ज़्यादा हॉल्स हैं। अगर मैं यहाँ से वो वाले हॉल्स बताऊँ आपको, यहाँ पर भी जी डिफरेंट किस्म की सेटिंग सिटिंग के लिए जो है वो सोफा वगैरह इंटीरियर वगैरह रखा गया है और आउटडोर सिटिंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा गया है। और क्या होना चाहिए? पास्ता तो कुछ खर्चे हैं बाबा, खर्चे मेहमान नवाजियाँ करा रहे हैं, खर्चे नहीं हम खर्चे कभी भाई के करा रहे हैं, मेहमान नवाजियाँ रोटी करवा रहे हैं भाई। देखो भाई लाहौर वाले और पंजाब वाले जो कराची वाले यूट्यूबर हैं, हमारा पिशावर भी किसी से कम नहीं है। हम लोग बाहर जाके शिशके मशके मारते हो, अब शिशके मारने का हमारा टाइम है। कैसा है? मजे मजे हैं। अच्छा यहाँ पर पास्ता भी है और ये अगर आप लोग माइंड ना करें तो लोगों की क्रेविंग बढ़ाने के लिए। नहीं नहीं मुझे पता है, थोड़े पे आपका काम भी नहीं होगा। हाँ ये डाइटिंग है, इस ऐवे नहीं बंदा रोक लेता, ये मुसीबत ये खाना खाना बंदा कहता है डाइटिंग ना हो। चस आ गई है, छा गए हो जी, मजेदार पास्ता। सर्दी आ गई है और फिश दे दे। धुएं चेक करें जी, चस आ गई।
अगर आप लोगों ने भी खाना है ना तो कबीर रेस्टोरेंट ज़रूर आएगी, वो भी पेशावर। अब आया जी हमारे पास लाहौरी टिक्का। खाना देख के ना जुबान वैसे ही लड़खड़ा रही है और पानी आ रहा है मुंह में। और रख दे। तो लाहौरी टिक्का खाने के लिए आपको लाहौर जाना नहीं पड़ेगा, आपको कभी रेस्टोरेंट आना पड़ेगा। और ये है चटनी और ये है लाहौरी टिक्का। और इसको मैं करूँगी इसमें डिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अमूमन ना बारबेक्यू जब आप करते हो ना तो अंदर मसाला जो है ना नहीं जाता, लेकिन मैरिनेशन अच्छी की हुई है और देखें काफ़ी जूसी है और अंदर तक गला भी हुआ है और मज़ेदार भी है। हमारे तो मज़े जी आज के पत्ते लगे हुए हैं। कुनाफा ट्राई करेंगे जी। मज़ेदार बेहतरीन कुनाफा। थोड़ा सा सॉफ्ट होता तो बेटर था, लेकिन चलेगा, ज़बरदस्त खाने के बाद मीठा हो जाए। पूरे कबीर रेस्टोरेंट का हमें विज़िट कराया, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे साथ मेरे बच्चे आएंगे तो फिर क्या करूँगा। बच्चे आएंगे तो बच्चों के लिए प्ले एरिया जो है वो बनाया गया है और मैं ज़रा यहाँ घास, ये वैसे आर्टिफिशियल है लेकिन बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैंने जूता उतार दिया, ज़रा इसकी अच्छी अच्छी फीलिंग ले लूँ घास की। तो प्ले एरिया है, जंपिंग लगा हुई है, फ्लाइट लगाए हुए हैं, सीसा है, बच्चे यहाँ पर खेलें और माँ बाप वहाँ पर खाना इंजॉय करें, फिर बच्चों को खा पी के बच्चों आ जाओ खा लो, तो ये भी सीन है। नहीं तो क्या ये इसकी अलग सी कोई फीस होगी? नहीं नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई फी नहीं है और कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, बेगम होके। यानी हम वहाँ पे मज़े से खाना खाएं, हाँ। और बच्चे यहाँ पे एंजॉय करें, रिफ्रेशमेंट में रहें। तो जरा दिखा देते हैं, प्लीज जरा बता दे क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे स्लाइड्स है, वहाँ पर ये वो है, क्या कहते हैं, स्विंग्स है और डिफरेंट किस्म की है उधर, और भी चीजें है। तो बच्चे यहाँ पर जो है फुल एंजॉय कर सकते हैं, वैसे हम बड़े भी कर रहे हैं, बड़ा मजा आया है। तो जी आपको अगर आज का मेरा व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और पेशावर से बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कभी रेस्टोरेंट का ज़रूर विज़िट करिए, यहाँ के खाने को, यहाँ के माहौल को ज़रूर इंजॉय करिए। पेशावर के लिए एक बहुत बड़ा नया कदम उन्होंने, कबीर भाई ने उठाया है और ये बेहतरीन कदम होगा और बड़ा ही सक्सेसफुल होगा। ज़िंदगी की वफ़ा की तो फिर किसी और वीडियो में आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर अमानिल्लाह।